ग्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्लास या डेफिनेशन ऑफ ग्लास, सेकंड रॉ मटेरियल ऑफ ग्लास और थर्ड है टाइप्स ऑफ ग्लास को हम डिस्कस करेंगे। ग्लास को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, फिजिकली और दूसरा है केमिकली। सबसे पहले हम फिजिकल डेफिनेशन देखते हैं कि ग्लास को कैसे डिफाइन किया है। ग्लास में भी डिफाइन एज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, एमॉर्फस, हार्ड, रिजिड, ब्रिटल, सुपर कूल लिक्विड, नॉन क्रिस्टलाइन, हैविंग नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड एप्रोप्रिएट विस्कोसिटी या हाईली विस्कोसिटी टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन। ग्लास क्या है, जो इसको फिजिकल जो डेफिनेशन है, भौतिक परिभाषा है, वो क्या है? ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, एमॉर्फस इन नेचर का है, इसमें कोई क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, हार्ड है, कठोर है, रिजिड है, टफ है, ब्रिटल भंगुर है, वो टूट जाता है, साथ में सुपर कूल लिक्विड है, नॉन क्रिस्टलाइन होने की वजह से ये क्या करता है कि इसमें कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है और इतनी विस्कोसिटी, इतनी हाईली विस्कोसिटी होती है, उसकी श्यानता बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसी को हम कहते हैं ग्लास। ग्लास की फिजिकल डेफिनेशन में टर्म आया कि ग्लास क्या है, सुपर कूल लिक्विड है। जनरली क्या होता है कि जब क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स को हम गर्म करते हैं किसके ऊपर, ऑलमोस्ट 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जब हम गर्म करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है, मेल्ट ऑब्टेन होता है। ये जो मेल्ट जब हम गर्म करते हैं तो और इतने हाई डिग्री टेम्परेचर पर जो मेल्ट ऑब्टेन होता है वो कैसा होता है, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट मास हमें क्या करता है, ऑब्टेन होता है। लेकिन यहाँ पर सुपर कूल लिक्विड में क्या होता है, या हम कहें सुपर कूल लिक्विड ग्लास में क्या होता है कि जब क्रिस्टलाइन पार्ट्स को हम ऑलमोस्ट या हम कहें 1650 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक हम इसको गर्म करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है, मेल्ट है। जब मेल्ट को हम क्या करते हैं, रैपिडली कूल करते हैं तो ये मास हमें ऑब्टेन होता है, क्लियर, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास ऑब्टेन होता है, उसे ही हम कहते हैं सुपर कूल लिक्विड। ग्लास को केमिकली डिफाइन किया है, ग्लास में भी डिफाइन एज अ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ कंपाउंड एंड अदर ग्लास कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड एक्सेट्रा। केमिकली ग्लास को डिफाइन किया गया है, ये सिलिकेट मिक्सचर, ये सिलिकेट से किसका मिक्सचर है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या है, यहाँ हम कहें कंपाउंड का फ्यूजन मिक्सचर है, उसी को हम कहते हैं ग्लास कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में और बता देते हैं कि ग्लास क्या है। ग्लास एक टाइप का सिलिकेट मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली जैसे आपका हो गया सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, एल्कलाइन अर्थ मेटल में हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड एक्सेट्रा, ये आपका हो गया एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली की जो पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन पर है और एल्कलाइन अर्थ मेटल इसकी जो वैलेंसी है प्लस टू वैलेंसी है, जो इसकी सेकंड जो पेरियोडिक टेबल का जो सेकंड कॉलम है वह किसका है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का है। ग्लास में भी रिप्रेजेंटेड एज एक्स आर टू ओ वाई एम ओ डॉट सिक्स एस आई ओ टू, एक टाइप का सिलिकेट हो गया। यहां पर एक्स और वाई है होल नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा, आर है मोनोवेलेंट एल्कली या मोनोवेलेंट मेटल जैसे आपका सोडियम पोटेशियम। मोनोवेलेंट का मतलब है जिस पर क्या है, केवल सिंगल चार्ज है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोवेलेंट कहते हैं। और यहां पर एम है, ये क्या है, बाइवेलेंट मेटल। एग्जांपल है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा। बाइवेलेंट का मतलब है कि मेटल पर क्या है, दो वैलेंसी है
उसे हम कहते हैं बायवेलेंट मैटर। रॉ मटेरियल ऑफ ग्लास, ग्लास बहुत तरह के होते हैं, तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। हम इसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ ग्लास। ग्लास को बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल काम में लेते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल में सबसे पहला है एसिडिक ऑक्साइड, सेकंड है बेसिक ऑक्साइड और थर्ड है कलरिंग एजेंट। एसिडिक ऑक्साइड में हम काम में लेते हैं सिलिका, सिलिका जिसका फॉर्मूला है SiO2। सेकंड है बोरोन ट्राइऑक्साइड जिसमें आपका है बोरेक्स और बोरिक एसिड और P2O5 में जो मेन कंटेंट है किससे ऑब्टेन हो रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट से हमें क्या करता है ऑब्टेन होता है। ये तो आपके होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। सेकंड है जो ग्लास में बेसिक ऑक्साइड काम में लिया जाता है, कौन कौन से, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बेरियम मैग्नीशियम लैड एंड जिंक ऑक्साइड। अब इनके सोर्स क्या है, सोडियम ऑक्साइड ऑब्टेन होता है सोडियम कार्बोनेट सोडियम सल्फेट सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम हमें ऑब्टेन हो रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट। मैग्नीशियम ऑब्टेन हो रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेरियम ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है बेरियम कार्बोनेट के साथ। लेड ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है रेड लेड। जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है किससे है, जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड। ये इसके क्या है मेन रॉ मटेरियल है जो बेसिक ऑक्साइड है, जैसे सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को हम इन कंटेंट से हम क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल में कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट का मेन रोल होता है टू प्रोवाइड कलर। कलर को क्या करता है, देता है ग्लास को एक पर्टिकुलर कलर देता है। अब कुछ केमिकल है जो कलर प्रोवाइड कराते हैं वो कौन कौन से हैं, फेरिक ऑक्साइड येलो कलर देता है, क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन, कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू, सेलेनियम ऑक्साइड रेड, मैग्नीज ऑक्साइड पर्पल कलर ग्लास को क्या करता है प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा एक और इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि क्यूलेट होता है। क्यूलेट्स का मेन रोल होता है कि बम्पिंग को क्या करता है रोकना होता है। जब हम एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड इनको जब हम मिक्स करते हैं तो जब हम हाई टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो एक क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली विस्कस होने की वजह से होता है, सेंट्रल पार्ट में क्या होता है एयर आ जाती है और एयर आने की वजह से क्या होता है कि जो मेल्ट है वो क्या करता है बम्प करता है। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं क्यूलेट्स ऐड करते हैं। क्यूलेट्स क्या होता है, पोर्सिलिन ब्रोकन पोर्सिलिन पीसेस होता है, पोर्सिलिन के जो टुकड़े होते हैं उसी को हम कहते हैं क्यूलेट। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लास को हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ग्लास, सबसे पहले है सोडा ग्लास और लाइम ग्लास, या हम कहें लाइम सोडा ग्लास भी कहते हैं। इसको बनाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड के जो फ्यूजन है और साथ में SiO2 जब उसको फ्यूज किया जाता है तो हमें ऑब्टेन होता है सोडा ग्लास लाइम ग्लास या लाइम सोडा ग्लास। ये क्या किस टाइप का ग्लास है, सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। और इसका मेन रोल क्या होता है, कहाँ काम में लिया जाता है, विंडो ग्लास बनाने के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, बॉटल्स के लिए मेनली क्या कौन सा काम में लिया जाता है, सोडा ग्लास या लाइम सोडा ग्लास या लाइम ग्लास हम क्या करते हैं काम में लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लास है पोटाश ग्लास और हार्ड ग्लास। इसको बनाते कैसे हैं, ये जैसे आपका सोडा ग्लास में सोडियम कार्बोनेट हमें काम में लेते हैं तो यहाँ पर पोटाश का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम की बजाय क्या हो गया पोटेशियम हो गया।
तो ये किस टाइप का सिलिकेट्स है? सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम और पोटेशियम का क्या है? सिलिकेट है, इसका मतलब ये है कि इसका जो रॉ मटेरियल है हम काम में ले रहे हैं पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस SiO2। इन तीनों को हम जब 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें ऑप्टेंट होता है पोटाश ग्लास, या हम कहें हार्ड ग्लास ऑप्टेंट होता है। ये पर्टिकुलर किस पर्पज से काम में लिया जाता है? ग्लास एपरेटस बनाने में पर्टिकुलर काम में लिया जाता है। फ्लिंट ग्लास ये क्या है? पोटेशियम और लेड सिलिकेट है। इसको पर्टिकुलर कहाँ काम में लिया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में और साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। नेक्स्ट है जैना ग्लास। जैना ग्लास क्या है, किसका मिक्सचर है? जिंक और बेरियम सिलिकेट से। इसका पर्टिकुलर यूज कहाँ काम में लिया जाता है? बॉटल्स बनाने के लिए। बॉटल्स भी कौन सी, जो इसमें हम एसिड और बेस रखते हैं उन बॉटल्स को बनाने में पर्टिकुलर जैना ग्लास क्या होता है, काम में आता है। फ्लिंट ग्लास ये क्या है? पोटेशियम और लेड सिलिकेट है। इसको पर्टिकुलर कहाँ काम में लिया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में और साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। नेक्स्ट है जैना ग्लास। जैना ग्लास क्या है, किसका मिक्सचर है? जिंक और बेरियम सिलिकेट से। इसका पर्टिकुलर यूज कहाँ काम में लिया जाता है? बॉटल्स बनाने के लिए। बॉटल्स भी कौन सी, जो इसमें हम एसिड और बेस रखते हैं उन बॉटल्स को बनाने में पर्टिकुलर जैना ग्लास क्या होता है, काम में आता है। पायरेक्स ग्लास और बोरोसिलिकेट ग्लास, इस ग्लास का पर्टिकुलर यूज किया जाता है जितने भी केमिस्ट्री में जो ग्लास वियर होते हैं वो बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। इसके अलावा जो भी माइक्रोवेव में जो कुक वेयर्स है, जो ग्लास वेयर्स है, वो पर्टिकुलर बोरोसिलिकेट से हम कहें पायरेक्स ग्लास होता है। अब ये किसके सिलिकेट है? जिंक, बेरियम, बोरोसिलिकेट और साथ में क्या है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जिसका पर्टिकुलर यूज किया जाता है लैब एपरेटस में, पर्टिकुलर काम में लिया जाता है जितने भी माइक्रोवेव कुकवेयर्स होता है उसको हम किसे बनाते हैं, पायरेक्स ग्लास या बोरोसिलिकेट ग्लास। क्रूक्स ग्लास, क्रूक्स ग्लास भी एक टाइप का सिलिकेट है। ग्लास एक टाइप का सिलिकेट है। इसमें जो स्पेशल कंटेंट क्या है, सीरियम ऑक्साइड है। सीरियम ऑक्साइड होने की वजह से ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को पेनिट्रेट नहीं होने देता है। इसका मतलब ये कि जो ग्लास बनता है वो बिल्कुल ऑपेक कंडीशन में होता है और ये पर्टिकुलर लेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ग्लास को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। ग्लास क्या है? ग्लास ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, एमोर्फस, नॉन क्रिस्टलाइन, हैविंग नो डेफिनेट पॉइंट, सुपर कूल लिक्विड एंड हाईली विस्कस सब्सटेंस। तो कुछ कीवर्ड्स है, तो ग्लास क्या है, एक टाइप का मिक्सचर है और ये कंपाउंड नहीं है। सेकंड है ये केमिकली इनर्ट है। ज्यादातर केमिकल से क्या करता है, केमिकली इनर्ट है, लेकिन ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ये क्या है, सॉल्युबल है। ये क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि ये एक टाइप का कंपाउंड बना रहा है, कौन सा है, H2SiF6 का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे ही फॉर्मेशन हुआ ग्लास क्या होगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट है ये एक टाइप का सुपर कूल लिक्विड है और किसी भी टाइप का, यहाँ पर कोई भी शार्प, इसका जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, यहाँ का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, हाईली विस्कस होता है, हार्ड है, ब्रिटल है, रिजिड है, ये तो होता है आपका ग्लास। थैंक यू गाइस, आप मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाकर देखिए जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट लिंक जैसे वाटर केमिस्ट्री का लिंक, फ्यूल एंड कम्बशन का लिंक, एनडी का लिंक, क्लास 11 का लिंक दे रखा है, जाकर देखें। साथ में इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।